मेरे फादर को स्टोन हो चुका था। वो स्टोन की साइज़ अप्रॉक्सीमेटली 10 mm की थी, जो कि गॉल ब्लैडर के नेक में अटकी हुई थी, जिसके कारण मेरे फादर को हर रात प्रॉब्लम होती थी पेट में और हल्के से एब्डोमेन एरिया में और चेस्ट के लोअर पार्ट में डायफ्राम के पास। तो पहले तो हम फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे कि ये प्रॉब्लम कार्डियक के वजह से हो रही है कि गैस्ट्रोलॉजिस्ट की वजह से हो रही है, गैस की वजह से। फिर हमने कार्डियक में सब टेस्ट कराया, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल, सब कुछ सही था कार्डियक के हिसाब से। गैस वाले डॉक्टर को दिखाया तो पता चला अल्ट्रासाउंड करा के कि एक स्टोन है। मेरे को फरवरी फर्स्ट वीक में पेट में पेन हुआ, मैंने वहाँ अल्ट्रासाउंड करवाया और वहाँ के लोकल डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने सर्जरी के लिए एडवाइस किया। तो मैंने डॉक्टर प्रदीप चौबे जी से कंसल्ट करके, मिस्टर अरुण रूंगटा पटना से हम लोगों के पास में आए और उनको गॉल ब्लैडर स्टोन का प्रॉब्लम था जिससे उनको काफ़ी परेशानी थी। फिर एज नोन कि डॉक्टर प्रदीप चौबे जो मैक्स हॉस्पिटल में अभी हैं, ही इज़ अ वेरी रिनाउंड पर्सन, पूरे इंडिया में हर इंसान उनको जानता है बिकॉज ही इज़ द फादर ऑफ लैप्रोस्कोपी, उन्होंने ही यहाँ पर ला के इसको लॉन्च किया है, इस सर्जरी को। मिस्टर रूंगटा ने ऑफर किया कि भी ही वुड लाइक कि भी रोबोटिक से ही उनकी गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो, जो पिछले साल से हम लोगों ने ये नया रोबोटिक सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है और ये हम लोगों को बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी और सेफ्टी की पॉसिबिलिटी देता है। उन्होंने मेरे को जो जो एडवाइस किया कि ये टेस्ट आप करवा के आप मेरे को रिपोर्ट भेज दें, मैंने वो टेस्ट करा के उनको रिपोर्ट भेज दी। उन्होंने मेरे को जो है सर्जरी की डेट दे दी। उन्होंने इसको ऑप्शन दिया, कल उनका ऑपरेशन हुआ, शाम के ही वॉज मूविंग अराउंड और ऐसा लगता है कि जैसे कुछ ऑपरेशन नहीं भी हुआ है। आज सुबह ही इज़ गोइंग बैक टू पटना, उन्होंने पूरा आज उनको पूरा नॉर्मल खाना मिल रहा है और वो अपनी फ्लाइट लेके पटना जा रहे हैं। उसमें कोई स्टिचेस नहीं है, वाटरप्रूफ ड्रेसिंग है, तो नॉर्मल अपना नहाते धोते रहेंगे, कपड़ा जो वगैरह जैसा भी पहनते हैं वैसा पहनेंगे। बाकी हमने यहाँ पे एडमिट हुए और अगले दिन हमारे फादर की सर्जरी होगी, बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही नॉर्मल। डॉक्टर का, बाकी स्टाफ मेंबर्स का, डॉक्टर के मेंबर्स का रेगुलर विज़िट होता था, प्रॉपर डाइटिशियन आके पूरा विज़िट किए हैं हर चीज़ का, नर्सिंग वगैरह सब कुछ A to Z प्रॉपर फॉलोअप अच्छे से रहता था। वॉक करके जाएंगे आराम से और कोई फिजिकल एक्टिविटी में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सीढ़ी चढ़ने में, उतरने में, कार चलाने में, स्कूटर चलाने में, सामान उठाने में, सूटकेस उठाने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डॉक्टर चौबे डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे हैं और मैं इनका नाम करीबन 20 साल से सुनते चला आ रहा हूँ। नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर, यहाँ के मैनेजमेंट सब बहुत अच्छे हैं। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि डॉक्टर प्रदीप चौबे और उनकी टीम का फुल सपोर्ट मिला एंड आई एम थैंकफुल टू देम एंड आई एल मेक श्योर कि मुझे जब भी किसी को भी रेफर करना होगा मैं डॉक्टर प्रदीप चौबे और उनकी टीम एंड मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत का पक्का रेफर करूँगा। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.